तो लेते हैं मित्रों पहला क्वेश्चन, हीट एक्सचेंजर का क्या काम है? ए हीट ट्रांसफर करना, बी मनी ट्रांसफर करना। 5, 4, 3, 2, 1 नॉकआउट। इसका जवाब है मित्रों हीट ट्रांसफर करना, अर्थात ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडेंसर का क्या काम है? ए फ्लूइड चेंज करना, बी फेज चेंज करना। 5, 4, 3, 2, 1 नॉकआउट। इस क्वेश्चन का जवाब है मित्रों ऑप्शन बी फेज चेंज करना। बोले तो गैस को लिक्विड में बदलता है। हम जानते हैं कि किसी पदार्थ के तीन फेज होते हैं, गैस फेज, लिक्विड फेज और सॉलिड फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी हीट एक्सचेंजर का पर्जिंग ए मेंटेनेंस के बाद होता है, बी मेंटेनेंस शुरू करने के पहले होता है। 5, 4, 3, 2, 1 नॉकआउट। इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी मेंटेनेंस शुरू करने के पहले पर्चिंग होता है ताकि हीट एक्सचेंजर में उपस्थित हजार्ड्स बाहर निकल जाएं और मेंटेनेंस करने वाले को किसी प्रकार का नुकसान न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट एक्सचेंजर का मेंटेनेंस शुरू करने के पहले इसके सभी इनलेट आउटलेट को ब्लाइंडिंग कर दिया जाता है, यह कथन ए फाल्स है, बी ट्रू है। 5, 4, 3, 2, 1 नॉकआउट। तो इसका जवाब है मित्रों ऑप्शन बी, अर्थात मेंटेनेंस चालू करने के पहले इसके सभी इनलेट आउटलेट को ब्लाइंडिंग कर दिया जाता है ताकि बाहर से कोई हजार अंदर आकर काम करने वाले को कोई नुकसान न पहुंचाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट एक्सचेंजर के मेंटेनेंस में हॉट बोल्टिंग करते हैं ए अनबोल्टिंग के पहले, बी अनबोल्टिंग के बाद। 5, 4, 3, 2, 1 नॉकआउट। इस क्वेश्चन का जवाब है मित्रों ऑप्शन ए हॉट बोल्टिंग अनबोल्टिंग के पहले करते हैं, यानी कि शट डाउन में नट बोल्ट खोलने के पहले हॉट बोल्टिंग किया जाता है ताकि अनबोल्टिंग यानी खोलने में आसानी हो और समय की बचत भी हो। मित्रों हॉट बोल्टिंग का मतलब होता है एक बोल्ट विपरीत पोजीशन वाला को खोलकर उसका सर्विसिंग कर, मतलब उसको साफ कर, उस पर मोलिकोट लगाकर फिर टाइट कर दिया जाता है, तब फिर उसके ठीक विपरीत वाले बोल्ट के साथ भी यही प्रक्रिया दोहराई जाती है जो पहले वाले बोल्ट के साथ किया गया। इसी प्रकार सभी बोल्ट्स को खोल खोल कर फिर टाइट कर दिया जाता है, इसी को हॉट बोल्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट एक्सचेंजर के अंदरूनी भागों पर एक ठोस पदार्थ धीरे धीरे जमा हो जाता है, इसको क्या कहते हैं भाई? ए फॉलिंग, बी पिटिंग। 5, 4, 3, 2, 1 नॉकआउट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए फॉलिंग, अर्थात हीट एक्सचेंजर के अंदरूनी भागों पर जमे हुए ठोस पदार्थ को फॉलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट एक्सचेंजर में फॉलिंग होने से हीट एक्सचेंजर की दक्षता इफिशियंसी घटती है या बढ़ती है? ए बढ़ती है, बी घटती है। 5, 4, 3, 2, 1
नॉकआउट। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, अर्थात फॉलिंग हीट एक्सचेंजर की इफिशियंसी बोले तो काम करने की क्षमता को, दक्षता को घटा देता है, कम कर देता है। इसी कारण तो मित्रों इसका शटडाउन में मेंटेनेंस कर इसके फॉलिंग को साफ कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य रूप से हीट एक्सचेंजर कितने प्रकार के होते हैं? ए 4 प्रकार का, बी 2 प्रकार का। 5, 4, 3, 2, 1, knockout। इसका जवाब है ऑप्शन ए, हीट एक्सचेंजर मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, दूसरा डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, तीसरा प्लेट्स टाइप हीट एक्सचेंजर और चौथा फिन फाइन हीट एक्सचेंजर। तो ये मित्रों रिफाइनरी ऑयल एंड गैस में प्रयोग होने वाले 4 प्रकार के हीट एक्सचेंजर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर कितने प्रकार के होते हैं? ए 4 प्रकार के, बी 3 प्रकार के। 5, 4, 3, 2, 1, knockout। तो मित्रों इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, 4 प्रकार के होते हैं। सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर में पहला है फिक्स्ड ट्यूब सीट हीट एक्सचेंजर, दूसरा है यू बंडल हीट एक्सचेंजर, तीसरा है फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर और चौथा है मित्रों केटल टाइप हीट एक्सचेंजर। तो इस प्रकार सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के 4 प्रकार होते हैं। मित्रों आप सबसे निवेदन है कि इस क्वेश्चन को आप अवश्य याद कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं। हीट एक्सचेंजर कितने प्रकार के होते हैं और सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर कितने प्रकार के होते हैं, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मित्रों, फिक्स ट्यूब सीट टाइप हीट एक्सचेंजर में कितने ट्यूब सीट होते हैं? ए 1 ट्यूब सीट, बी 2 ट्यूब सीट। 5, 4, 3, 2, 1, knockout। इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, 2 ट्यूब सीट होते हैं जो दोनों सेल के साथ फिक्स होते हैं। फोटो को भी देखते चलिए मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू बंडल टाइप हीट एक्सचेंजर में कितने ट्यूब सीट होते हैं? ए 1 ट्यूब सीट, बी 2 ट्यूब सीट। 5, 4, 3, 2, 1, knockout। तो इसका जवाब है मित्रों ऑप्शन ए, 1 ट्यूब सीट होता है। फोटो को भी देखते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिब बॉयलर के नाम से जाना जाता है ए फिक्स ट्यूब सीट टाइप हीट एक्सचेंजर, बी केटल टाइप हीट एक्सचेंजर। 5, 4, 3, 2, 1, knockout। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, केटल टाइप हीट एक्सचेंजर को रीबॉयलर भी कहा जाता है मित्रों, क्योंकि यह कॉलम के बॉटम लिक्विड को रीबॉयल कर फिर कॉलम्स में भेज देता है।